तो जोहार नमस्कार। झारखंड के चतरा जिले में हर साल आयोजित होने वाला इटखोरी महोत्सव इस बार 19 फरवरी से चालू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि 19 तारीख यानी कि 19 फरवरी यानी कि आज के दिन 3 बजे शाम से इटखोरी महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें हमारे सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के तौर में जाएंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इतना तक तो ठीक है, मैं यहां तक सहमत हूं, लेकिन इस कार्यक्रम में अपना जलवा बिखारने के लिए बिहार की कलाकारा, आप जानते ही होंगे, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा और नहीं भी देखा होगा तो मैं उनका नाम भी आपको बता देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पे एक विशिष्ट कलाकारा को, बिहार की कलाकारा अक्षरा सिंह को बुलाया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज क्लियर करने वाला हूं कि आखिर आज झारखंड के लोग बाहरी भाषा ना चलतो, बाहरी कलाकार ना चलतो का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या कुछ है, सारा चीज हम इस वीडियो में जानेंगे और आगे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर झारखंड के इस राजकीय महोत्सव में बिहार के एक कलाकारा को लाना क्यों जरूरी है और आखिर किस मकसद से लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि बाहरी लोग हैं जो कि बाहरी विधायक सांसद ही बाहरी कलाकार को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी जाएंगे और वहां का उद्घाटन भी करेंगे। उन्हें इतना पता भी होगा कि अभी झारखंड में भाषा की लड़ाई भी है और छात्र परेशान है, यहाँ के युवा परेशान है, लेकिन सरकार यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, बल्कि बाहरी कलाकारों को लाके और यहाँ के बाहरी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ के कलाकारों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर मैंने इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप लोग एकदम लास्ट तक देखिएगा और कमेंट जरूर करते जाइएगा कि क्या मैंने सही बोला या फिर गलत बोला। कुछ ही देर बाद अक्षरा सिंह का प्रोग्राम चालू होने वाला है इटखोरी में, जो कि चतरा जिला के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। जोहार आप सभी लोगों को, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं राजकीय इटखोरी महोत्सव चतरा में 19 फरवरी 2024 को आप सभी लोगों से मिलने, आपके लिए परफॉर्म करने, खूब सारी मस्ती और धमाल करने। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का, साथ ही डिप्टी कमिश्नर चतरा श्री अबू इमरान जी का तथा जिला प्रशासन चतरा का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सी यू ऑल देयर। साथियों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार जोहार करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यदि बाहरी कलाकार का या फिर बाहरी भाषा का विरोध अगर किसी ने किया है तो उसमें कहीं ना कहीं जेबी केसेस का नाम आ ही जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक बार फिर से इटखोरी महोत्सव होने जा रहा है और कलाकारों का जमावड़ा भी होगा, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंडी कलाकार कारों की एक बार फिर उपेक्षा की गई और बाहर से कलाकारों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है, जो अश्लील गायकी और अपने प्रदर्शन के लिए कुख्यात है। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि आयोजकों का मानसिक स्तर इतना खराब क्यों है कि उन्हें कलाकारों की क्वालिटी के बारे में भी जानकारी नहीं है। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आना है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी मेरे आपसे भी आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम के आयोजकों से कलाकारों की सूची मंगवाएं और उसमें देखिए कि कितने झारखंडी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है और बाहर से अश्लील कलाकार कितने हैं। राज का जो पैसा है अश्लील और फुफड़ कलाकारों के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अक्षरा सिंह जैसे कलाकारों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित ना किया जाए। अगर आमंत्रित किया भी गया है तो उन्हें आने दिया जाए, लेकिन उन्हें प्रोग्राम करने ना दिया जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।